क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। मतलब कह रहा है एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, इसका डायगोनल इक्वल दिया है और दोनों डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट जो कर रहा है, कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है क्या ये एक स्क्वायर है। तो देखिए क्वेश्चन 5, एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी और ए डी, एक चतुर्भुज है। यहां कह रहा है इसका विकर्ण जो है आपस में बराबर है, ए सी बराबर बी डी और यहाँ ओ पर प्रतिष्ठित करके मान लीजिए, और इसमें ये भी कह रहा है कि आपस में ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब ओ ए बराबर ओ सी आपको दिया हुआ है और ओ बी बराबर आपको ओ डी दिया हुआ है। साथ ही साथ ये सब क्या है, 90 डिग्री है, समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ये सब 90 है। हेलो, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी और आपका ओ ए बराबर ओ सी कोमा ओ बी बराबर ओ डी तथा कोण को बराबर 90 डिग्री, ये चीज दिया होगा, ठीक है। सिद्ध करना है आप नहीं क्या, ए बी सी डी एक वर्ग वर्ग प्रूफ करना है। तो प्रमाण देखिए, पहला हम क्या करते हैं इसमें सही भैया को पहले बराबर करते हैं, ठीक है। वर्ग के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, इस समझिए वर्ग तब कहलाएगा इसका सही भैया बराबर होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल और इच एंगल 90 डिग्री, उसका प्रत्येकोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, सही भैया को बराबर करते हैं, कोई एक कोण को 90 डिग्री कर देंगे तो हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा आपका OA OC देखिए, ये आपका दिया है, उसके बाद देखिए कोण AOB बराबर आपको दिया है COB, ये 90 डिग्री दे दिया है और OB OB दोनों में दे दो, OB बराबर OB उपेदिष्ट। अब बताइए दो त्रिभुज में दो भुज आपस में बराबर है और पीछा कोण बराबर है, क्या होगा, एस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज में जाकर सर्वांग सम ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ सी, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या, ए बी बराबर ए बी बराबर बी सी, क्यों ए बी सी डी सी, ठीक है, ये सोमाली इक्वेशन हुआ। इसी प्रकार हम जब दोनों त्रिभुज में दिए ये बराबर ये हो गया, इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, इसी प्रकार दोनों त्रिभुज करेंगे सी ओ डी और इसमें ए ओ डी में तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए डी, फिर लास्ट में इधर वो करेंगे तो ए डी बराबर क्या होगा आपका ए डी बराबर ए बी। तो आप इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ लिख दीजिए इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी बराबर सी डी समीकरण दो लिख सकते हैं,
और आपका सी डी, सी डी हो जाएगा के डी के बराबर। समीकरण तीन, फिर ए डी, ए डी हो जाएगा आपका ए बी के बराबर चार। तो यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण एक दो तीन एवं चार से आपको मिल गया क्या, यहाँ पर देखो ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर बी सी, और बी सी बराबर है सी डी के, ए सी डी हो जाएगा, सी डी बराबर किसके ए डी, और ए डी बराबर क्या है ए बी, चारों आपस में बराबर हो गया। तो ये चारों तो बराबर हो गया, ये समचतुर्भुज भी हो सकता है, आपका वर्ग भी हो सकता है। तो ये बोल नहीं सकते कि आपका वर्ग है फिलहाल, और वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग दो त्रिभुज को लेते हैं, इसको ए बी डी को लेते हैं, ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम लोग ए बी सी को ले लेते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर पूरा त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए हम ये सब आपस में बराबर हो चुका है ये, ठीक है। तो हम करते क्या है यहाँ पर, और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, बी डी और ए सी बराबर, पहले से वो लिखिए, पहले यहाँ ऐसे लिखो ए बी बराबर ए बी, ये हो गया ऑपोजिट, और ए डी के बदले बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी देखो ए डी बी सी के बराबर है, ए डी इक्वल टू बी सी, सिद्ध किया गया, लोग आगे सिद्ध किए हुए हैं। और आपका बी डी विकर्ण और ए सी आपने जब बराबर है दिया है, दिया है। अब देखिए एक त्रिभुज का तीनों भुजा, तो त्रिभुज तीनों भुजा का बराबर है, तो क्या होता है हम लोग का एस एस एस, भुजा 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 श्रवण सप्ताह नियम से एस एस एस, साइड 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 नियम से, नियम से त्रिभुज जो है ए बी डी सर्वांशम हो जाएगा ए बी सी के, जब सर्वांशम हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए एंगल बी आप उसमें क्या लिख सकते हैं, हम बराबर से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज, जब ये जब बराबर हो गया तो उस बराबर होने से क्या होता है, आप उसमें ये सब समांतर भी हो जाता है, वर्ग में भी समांतर होता है, आपस में जो भुजा जो रहती है हमने समझे का भुजा और आपका समचतुर्भुज भी होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, ए डी समांतर आपको बी सी है, तो कोण ए और बी, तो ए और बी यहाँ पर लिख दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी का योग हम लोग एक अस्सी लिखेंगे, बगल में लिख लीजिए आप ए डी समांतर बी सी भी अपना, तो एंगल ए प्लस बी, बी के बदले में ए लिख सकते हैं हम लोग एक अस्सी, एंगल ए प्लस एंगल ए तो क्या हो जाएगा टू एंगल ए, एक अस्सी दो सौ काटने के लिए हो जाएगा नब्बे, कोण ए आपका कितना हो गया नब्बे, तो कोण एक नब्बे हो गया, और आपको चारों भुजा आपस में क्या है बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है। अब कहाँ जगह यहीं लिख दीजिए, इसका ई भी लिख दीजिए ऊपर में, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, हेंस ब्रूट लास्ट में इसको लिख देना है, ये सब हो जाने के बाद, ठीक है। चलिए।